अच्छा चल फिर अब बता कि आज अचानक से तुझे इस दोस्त की याद कैसे आ गई? कुछ काम था यार। यानी हमें मिलने से मतलब है और तुम मतलब से मिलते हो? नहीं यार, ऐसी बात तो नहीं है। अरे यार तू तो सीरियस हो गया, मैं मजाक कर रहा था यार, सॉरी भाई। अच्छा चल बता काम क्या है, बता। भाई मुझे ना 50,000 रुपए चाहिए 4 महीनों के लिए, मैं उससे पहले वापस कर दूँ। ओ तो ये बात है। क्या बात है, क्या हुआ? यार शाकिर, अब इस सिचुएशन में मैं कुछ भी बोलूँगा ना, तुझे लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पता। यार ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ मेडिकल देती है बीवी बच्चों के लिए, जबकि ज़रूरत पड़ती है वालदेन के लिए। क्या हुआ, सब खैरियत है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। असल में 3-4 महीने पहले अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई थी, डॉक्टर से चेकअप कराया था, डॉक्टर ने बाईपास का बोला। कंपनी में मेडिकल के लिए अप्लाई किया, मेडिकल अप्रूव नहीं हुआ, अलबत्त उसकी मद में लोन अप्रूव हो गया। अब उस लोन की मद में हर महीने मेरी सैलरी में से तकरीबन 50,000 रुपये का अमाउंट पड़ जाता है। तो यह बात। और आजकल इस बढ़ती हुई महंगाई में जहाँ हर घर का बजट आउट हो चुका है, बंदा जितना भी कमा ले महीने के आखिर में कम पड़ ही जाता है। ठीक कह रहे हो यार, महंगाई का तो बुरा हाल। लेकिन तू टेंशन ना ले, कुछ करते हैं। अरे हाँ तू सुहेल से मिलना। सुहेल से? हाँ हाँ दोस्त है अपना यार, और माशाल्लाह उसका अपना कारोबार है और आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? यार मेरी उससे इतनी बेतकल्लुफी नहीं है। अरे तो उसकी टेंशन ना ले, उससे मैं बात कर लूंगा, तू बस यहाँ से सीधा उसके पास जा। मैं सॉरी यार, ये रोज रोज की इनकी चिक चिक की वजह से बिल्कुल ही भूल गया। ये बताओ क्या खाओगे क्या पियोगे? नहीं कुछ नहीं। तनवीर की कॉल आई थी मेरे पास, उसने बताया था तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में। तुम परेशान नहीं हो, मेरे पास एक 50,000 की पेमेंट आने वाली है 2-4 दिन में, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, फिर जब सहूलत हो मुझे वापस कर देना। यार तुम्हारा बहुत शुक्रिया यार, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे अदा करूँ तुम्हारा शुक्रिया। अरे भाई अभी शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हो, अभी तो सिर्फ वादा किया मैंने, रकम तो नहीं दी ना। किसी ने झूठे मुंह पूछा भी नहीं मुझसे, मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी तुमने, बहुत मेहरबान। अरे अरे कोई मसला नहीं, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को भिजवाता हूँ, जरा मैं हिसाब किताब भी देख लूँ। अरे बैठो बैठो।